हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आप में से जिन भी लोगों ने अप्लाई किया था आईपीओ में 2020 में, उन लोगों ने दो बड़े नाम सुने होंगे। एक था आपका रोजारी बायोटेक और एक था आपका कैमकॉन केमिकल्स। 80 और 150 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुए थे और पैसा काफ़ी डबल करके दिया था। काफ़ी अच्छा लोगों को लिस्टिंग गेन हुआ था। सेम उसी तरह की कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो स्पेशलिटी केमिकल का काम करती है। और ये बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी हाई है। इवन 100% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है मार्च में, तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या है ये डिटेल्स, कितना पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे और क्या करती है ये कंपनी काम। तो आइए सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डेट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं डेट्स के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो इशू ओपन हो रहा है आईपीओ का, ये 15 मार्च 2021 को ओपन हो रहा है और ये 3 दिन ओपन रहेगा, 15, 16, 17 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइस रखा गया है वो 129 मिनिमम और मैक्सिमम 130 रखा गया है। और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, वहाँ जनरली मैक्सिमम 130 पे ही आपको मिलने की उम्मीद है। और एक लॉट में आपको 115 शेयर मिलेंगे, यानी आपको एक लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 14,950 आपके इन्वेस्ट होंगे और लिस्टिंग गेन काफ़ी मिलने की संभावना है इसमें। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें आपके 1,94,350 इन्वेस्ट होंगे। आप 2, 3, 5 एज पर योर रिक्वायरमेंट कितने भी लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 to 17 तक मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आईपीओ है ये। और ये जो आपको अलॉटमेंट होगा, वो अलॉटमेंट होगा 22 मार्च 2021 को, और इसकी लिस्टिंग होगी 25 मार्च 2021 की। तो आप लोगों के डीमेट अकाउंट में जिसको भी मिलेगा ये, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आया, जैसे कि संभावना है तो ओवर सब्सक्रिप्शन आया, तो मैक्सिमम हो सकता है 1 लॉट ही आपको मिले और ये 24 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब लिस्टिंग होगी इसकी 25 मार्च को, तो उस दिन या उस दिन के बाद आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख भी सकते हैं, या अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेल भी कर सकते हैं। अब इस इश्यू साइज की बात करें तो 600 करोड़ का ये आईपीओ आया है, जिसमें 300 करोड़ रुपीज तो फ्रेश इशू होगा और जो इनके प्रमोटर्स हैं येलो स्टोन केमिकल्स, वो 300 करोड़ रुपीज अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताएं कि कंपनी के पास ये जो पैसा आएगा इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो एक तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ही वो एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। साथ ही साथ इनका जो SI मैन्युफैक्चरिंग, AI और SI दो में ही डील करते हैं, तो जो SI मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको एक्सपेंड भी करना चाहते हैं। कुछ प्लांट एंड मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट है जो इससे खरीदेंगे, और साथ ही साथ जो पैसा आएगा उससे कुछ रीपेमेंट करेंगे, जो इन्होंने लोन ले रखा है, पैसा बोरो कर रखा है, और बिजनेस के जनरल पर्पज़ के लिए भी इन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से ये 600 करोड़ को यूटिलाइज करने वाले हैं। कंपनी के बारे में बता देता हूँ कि 1989 की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, और इथिलाइल एसीटेट आपका एक केमिकल है जिसका ये प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और 30% मार्केट शेयर इन्हीं का है इंडिया में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डिकिटीन डेरिवेटिव्स की, तो इंडिया में केवल यही वो केमिकल है जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं और कोई भी कंपनी नहीं करती। कहाँ इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, तो एग्रोकेमिकल्स की बात कर लीजिए, इंक एंड कोटिंग्स में, डाइज में, पिगमेंट्स में, पेंट्स में, प्रिंटिंग में, पैकेजिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, सभी में इनके जो केमिकल्स हैं वो यूज होते हैं। यानी कि बिजनेस बहुत अच्छा है बिजनेस मॉडल, और आगे जाके जरूर ग्रो होगा और अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इनके दो AI और SI दो केमिकल हैं जिनमें डील करते हैं, दो बिजनेस सेगमेंट कह लीजिए आप। नॉट ओनली इन इंडिया, मोर देन 30 कंट्रीज में ये अपना बिजनेस फैला रखा है इन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो बाहर अगर हम बात करें तो यूरोप में इनका एक्सपोर्ट होता है। और जैसे मैंने बताया इनके AI और SI की डीलिंग करते हैं, तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी, महाड में इनके दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं, और ये जो पैसा आएगा इससे एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और सोच रहे हैं कि उससे स्टार्ट करें। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देख लीजिए, तो 2018 में 75 करोड़ का प्रॉफिट था, 19 में 72 करोड़ का, 20 में 70 करोड़ का, और अभी अगर सितंबर तक की बात करें, सितंबर 2020 यानी 6 महीने में ही करीबन 45 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार प्रॉफिट मेंटेन कर रखा है इन्होंने, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, बिजनेस ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली संभावना है, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि ये प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर पाएंगे। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ASBA प्रोसेस के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू आप डील कर सकते हैं। रजिस्ट्रार है इनके लिंक इंडिया, जो है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इनके लीड मैनेजर्स में एक तो एक्सिस कैपिटल है
दूसरा इनका जैम कैपिटल है जो पहले IDFC के नाम से जाना जाता था। अब सबसे बड़ी बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्राइस दिया गया है वो प्राइस बताया गया है 129 से 130 रुपीज़, और ग्रे मार्केट में करीबन 260 रुपये प्राइस चल रहा है पर शेयर का, यानी 100% अप जा रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि शायद जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन लिस्टिंग 100% से ज़्यादा पे हो, जिससे एक ही दिन में पैसा डबल हो सकता है। पर शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, ये तो केवल कहा जाता है कि अप हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, चांसेस भी हो सकते हैं। तो आप हमेशा कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बिजनेस मॉडल को समझिए, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रीमियम पर लिस्ट होता है और आप सेल करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल बात करूं तो अच्छा IPO आने वाला है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। इसके साथ ही साथ 2 IPO और ओपन हो गए हैं जो मार्च में ही ओपन होने जा रहे हैं, उनके भी वीडियो मैंने अपने चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के तो नोटिफिकेशन मिलते ही रहेंगे। साथ ही साथ उन दोनों IPO के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको अच्छा गेन मिल सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।